अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से ऐसी वेबसाइट्स फाइंड कर सकते हैं जो कि रिसेंटली क्रिएटेड हों और उनकी ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि हम उनके कीवर्ड्स को रेप्लिकेट कर सकें। तो हम गूगल के ऊपर जाएंगे और ये लिखेंगे सर्च ऑपरेटर। यहाँ पे अपनी नीच लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नीच है टेक, मैं यहाँ पे टेक लिखूँगा, एंटर। उसके बाद ये डोमेन्स आ गई। अब आप वो डोमेन्स देखेंगे जो लास्ट 3 ईयर्स में क्रिएट हुई हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अब आप जाएंगे एचरेफ्स में, डोमेन नेम कॉपी करेंगे और जाएंगे एचरेफ्स में, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रैफिक काफ़ी अच्छी है और रिसेंटली क्रिएटेड वेबसाइट है। इसका आप लिंक कॉपी करेंगे और आप इसे एक एक्सेल शीट बनाएंगे ब्लैंक। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरी वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट है, लास्ट 3 ईयर्स वाली हमने देखनी है, तो इसे पेस्ट करते हैं। तो हम वो वेबसाइट पिक करेंगे जिसके 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन को देखेंगे। उसके बाद उससे अगली, तो ये वेबसाइट ठीक है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इस तरीके से आप 10 टोटल कलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में और यहाँ से KD सेलेक्ट करेंगे, 1, 0, 10, अप्लाई। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, तो इन्हें आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे और वर्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं जो आपके नीच के रेलिवेंट हो, जैसे गेमिंग। तो ये भी काफ़ी वेबसाइट आ गई हैं, इन्हें वन बाय वन देखेंगे। उसके अलावा आप मॉनिटर लिख सकते हैं, माउस लिख सकते हैं, और इस तरीके से मतलब आप क्वेरीज लिखते जाएंगे और रिजल्ट आते जाएंगे, आप वन बाय वन चेक करते जाएंगे और इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा डोमेन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करेंगे जो कि मैंने इधर क्राइटेरिया बताया, फिर आप उनके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट रैंक करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।